Today we are going to discuss Arrhenius concept of acid and bases. स्वीडिश केमिस्ट था जिसने 1884 में एसिड बेस के बारे में अपना कंसेप्ट पेश किया। अकॉर्डिंग टू स्वेन आर्हेनियस एसिड क्या चीज है? एसिड द सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन वाटर। वो सब्सटेंस जो H+ आयन दे दे वाटर में उसको हम कहते हैं एसिड। अगर मैं जनरल एग्जांपल ले लूं HA, सो इन वाटर इट गिव H+ + A-। सो जो H+ आयन दे दे वाटर में उसको हम कहते हैं एसिड। ये एक सिंपल कंसेप्ट था। अभी वी हैव अ नंबर ऑफ एसिड्स। मैं अगर ले लू HCl ले लू, सो इन वाटर इट गिव H+ + Cl-। मैं लेता हूं H2SO4, सो इट गिव 2H+ + SO4-2। या मैं लेता हूं HNO3, नाइट्रिक एसिड में लेता हूं, दैट इज इन वाटर इट गिव H+ + NO3-। या मैं लेता हूं H3PO4, फास्फोरिक एसिड में लेता हूं, सो इन वाटर इट गिव 3H+ + PO4-3। या मैं लेता हूं H2CO3, सो इट गिव 2H+ + CO3-2। सो वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, वी हैव अ नंबर ऑफ एसिड्स विच गिव। या मैं एसेटिक एसिड लेता हूं CH3COOH, सो इन वाटर इट गिव एसिटेट आयन ये देता है, H+ आयन देता है प्लस एसिटेट आयन C3COO-। सो वो चीज, वो सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन दे दे, आर्हेनियस के मुताबिक वो एसिड है। दूसरा है हमारे पास बेस। Now, what is base according to Arrhenius concept? So, the substance which give OH- ion and water is called base. हर वो substance जो OH- ion दे दे water में, वो हमारे साथ है base. अगर मैं general example ले लूँ BOH, so in water it give B+ + OH-. Now we have a number of bases. So the first one is sodium hydroxide. Sodium hydroxide Na+ + OH- ion add kiya. Ya main le lu KOH. Potassium hydroxide. So in water add kiya K+ + OH-. Ya main le lu CaOH. Whole 2, so in water it gave Ca+2 + 2OH-. Ya main le lu magnesium hydroxide MgOH, so in water it gave Mg+2 + 2OH-. Ya main le lu aluminium hydroxide, so in water it gave Al+3 + 3OH-. So the substance which give OH- ion in water, उसको हम कहते हैं base. Now ये तो acid base concept था Arrhenius का, जो है कि जो H plus ion देता है वो acid होगा और जो OH ion देता है वो base होगा. लेकिन यहां पे कुछ limitations सामने आई. Limitations, वो limitations कौन कौन सी थी? द फर्स्ट लिमिटेशन के ये सिर्फ महदूद है एक्वस सॉल्यूशन तक, एक्वस सॉल्यूशन तक ये महदूद है, ये नॉन एक्वस में मीडियम में कुछ आइडिया नहीं देता. दूसरा इसका लिमिटेशन था कि ये सिर्फ H+
और OH- आयन तक महदूद है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे एसिड्स, कुछ ऐसे बेसिस है, कुछ सब्सटेंस है जिसमें H और OH आयन नहीं है, तो उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता। वो है CO2 NH3, तो इसमें H और OH आयन का कंसेप्ट इस पे जो है अप्लाई नहीं होता। सो दीज आर द लिमिटेशंस के ये एक्वस सॉल्यूशन तक मौजूद है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा, ये H और OH आयन तक महदूद है, लेकिन ये CO2 और NH3 के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देता। सो दिस इज द अर्हेनियस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस एंड इट्स लिमिटेशंस।